Hey guys, welcome back to another video and welcome to our Minecraft Survival World. तो मैंने कुछ चेंज किया है, क्या आप लोगों को नजर आ रहा है? हाँ भाई, मैंने सेडर्स डाल दिए हैं, तो आई होप आप लोगों को ये अब थोड़ा सा सुंदर लगे, थोड़ा सा अच्छा लगे। थोड़ी थोड़ी चीजें चेंज हुई हैं। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताना। मैं सेडर के साथ ही खेलने वाला हूँ। ये देखो अपनी घास कितनी मस्त मस्त तरीके से हिल रही है, मजेदार लग रहा है। और गाइस, आज की वीडियो में हम लोग बनाने वाले हैं एक कमाल का आयरन फार्म। मतलब इतना ईजी और इतना मजेदार आयरन फार्म बनाने वाला हूँ, क्योंकि आयरन फार्म ना बहुत तरीके के हैं, बट मैं जो बनाने वाला हूँ एकदम हटके। मतलब हटके क्या भाई, आयरन फार्म एक ही तरीके से बनता है, लेकिन वो ना बहुत ईजी और बहुत मजेदार होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। उससे पहले अगर आप लोग नए हैं चैनल पे तो मेक श्योर कि आप लोग सब्सक्राइब करें एंड लेट्स गो गाइस। तो गाइस, हम लोगों को इस फार्म को बनाने के लिए पहले तो चाहिए 3 बेड, 2 चेस्ट, 4 हॉपर और एक लावा बकेट और वाटर बकेट। वैसे 2 चाहिए, मैं वो तो बेहतर रहूँगा। फिर चाहिए हमें साइन बोर्ड और बोर्ड चाहिए, क्योंकि हम उन लोगों को ब्लेजर लेके आने हैं। फिर लेके आना है भाई ट्रैप डोर, ट्रैप डोर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो ट्रैप डोर चाहिए। फिर हमें चाहिए भाई कोई भी आप रख लेना, कोई भी ब्लॉक रख लेना, मैं लेने वाला हूँ कोबल स्टोन। तो लास्ट हमें चाहिए कोबल स्टोन के स्लैब्स। तो भाई ये आइटम चाहिए, तो जल्दी से बनाते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं अपना मस्त Easy Iron Farm, let's go। तो गाइस सबसे पहले हमें 6x7 का एक गड्ढा करना पड़ेगा, तो करते हैं जल्दी से और फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो गाइस सबसे पहले अपन लोगों को 2x2 ये डीप कर देना है, जो अपन लोगों ने 6x7 बनाया था इसको 2 डीप कर देना है। फिर 3x3 का एक बनाना है जिसको 4 डीप करना है, तो 4 ब्लॉक डीप करना है जो मैं कहता हूँ, लेट्स गो। ओके गाइस, तो अपना 4x4 डीप हो गया है। अब अपन लोगों को नीचे जाके इधर स्टेयर बनाने हैं, तो जल्दी से मैं एक स्टेयर बनाता हूँ। ओए ये क्या भाई, अलग ही दुनिया में पहुंच गया ना। और सेडर्स की वजह से हो रहा है भाई, सेडर को रेंडर होने में इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है भाई। मैं कह रहा अलग ही दुनिया में पहुंच गया मैं। कोई नहीं गाइस, चलो कहते हैं जल्दी से। तो गाइस कुछ ऐसा अपन लोगों को स्टेयर बनाने हैं, जैसे कि आप लोग देख रहे हो। अब यहाँ पे अपन लोगों को लगानी है टॉर्च। वैसे मेरे पास टॉर्च है तो मैं यहीं पे लगाते जा रहा हूँ। एक एक टॉर्च लगानी है, ताकि अगर मतलब अपन लोग जॉम्बी लेके आएंगे ना, तो वो जॉम्बी यहाँ से आके यहाँ आ जाए। और यहाँ पे अपन लोगों को एक बोट रखनी है जिसमें जॉम्बी आके बैठेगा। तो पहले अपन लोगों को लगानी है स्लैब और ट्रैप डोर। चलो जल्दी से ट्रैप डोर और स्लैब लगाते हैं। ओके गाइस, तो अपन लोगों ने 3 बेड लगा दिए हैं। अब अपन लोगों को लेके आने हैं ब्लेजर। उससे पहले अपन लोगों को ट्रैप डोर लगाना पड़ेगा, अदरवाइज ब्लेजर ना भाग जाएंगे। तो मैं ना स्लैब लगाता हूँ और फिर लगाता हूँ, पहले यहाँ पे एक स्लैब लगाओ। तो गाइस इस तरीके से हमें ट्रैप डोर और अपना स्लैब लगाना है। अब लेके आने ब्लेजर, जो कि थोड़ा सा मुश्किल काम होने वाला है, बट अपन लोग कर लेंगे, मुझे पता है अपन लोग ईजिली कर लेंगे। लेट्स गो, ब्लेजर लेके आते हैं, जो कि भाई मैं बोट में लेके आने वाला हूँ भाई। इसीलिए मेरा वाला फार्म थोड़ा इजी है, क्योंकि अपन लोग इजीली ब्लेजर्स लेके आ सकते हैं। और इधर मैं भाई डाइट वगैरह लगा देता हूँ, पता चला मैं ब्लेजर लेके आ रहा हूँ और इन्हीं गड्ढों में गिरता हूँ, तो वो मेरे को नहीं करना। तो जल्दी से गिरा लगा देता हूँ यार, मेरे को गिरना विरना नहीं है ना। चलो चलते हैं, ब्लेजर लेके आते हैं भाई। फाइनली अपना आयरन फार्म हो जाएगा तैयार, लेट्स गो। We'll be right back.
ओके गाइस, तो फाइनली मैं ब्लेजर ले आया। इनको लाना बहुत ज्यादा मुश्किल था, अब अपन लोगों को सिंपली कवर कर देना। ए नीचे निकलो, ए नीचे जल्दी कवर कर देना वरना ये लोग बाहर निकलेंगे। हाँ अब ठीक है, अब मैंने इनको कवर कर दिया। अब अपन लोगों को क्या करना है, अपन लोगों को पहले हॉपर लगाना है, फिर लगाना है अपन लोगों को चेस्ट। ठीक होना, अरे गोलम क्या हो गया भाई, यहाँ क्या कर रहा है। अब अपन लोगों को क्या रखना है, अपन लोगों को पहले हॉपर लगाना है फिर चेस्ट लगाना है, तो जल्दी से लगाते हैं। और फिर भाई एक जॉम्बी भी लेके आना है जिसको हमें अंदर ट्रैप करना है, उसके लिए एक मेरे को बोट डालनी है, तो जल्दी से वो सब कर देता हूँ। उसके बाद अपन लोग जॉम्बी लेके आएंगे। पहले मैं इधर जा, अरे भाई टॉर्चेस किसने हटा दी मेरी। तो यहाँ पे मेरे को एक पहले तो बोट रखनी है, बोट। ओके गाइस, तो अभी हम लोगों को एक जॉम्बी लेके आना है यहाँ से। वैसे मैंने अंदर एक बोट रख दी है, ये रही। अब हम लोगों को सिंपल से एक जॉम्बी लेके आना है। ये दोनों तो लड़ रहे हैं, बट हमें जॉम्बी ढूंढना है, तो जल्दी से जॉम्बी ढूंढते हैं और उसको इधर ट्रैप डोर में लेके जाना है। फिलहाल तो मेरे को कोई जॉम्बी नज़र नहीं आ रहा, मतलब जॉम्बी चाहिए जॉम्बी नज़र नहीं आ रहा। वाह चलो मैं ढूंढ के लेके आता हूँ। ओके गाइस, तो फाइनली टाइम है हॉपर लगाने का। चलो हॉपर लगाते हैं फिर आप लोगों से मिलते हैं, लेट्स गो। भाई पता गोलम तो स्पॉन हो रहे हैं, बट ये बाहर कैसे हो रहे हैं वो मेरे को देखना पड़ेगा। भाई दो दो गोलम, वाह भाई वाह नाइस। तो जल्दी से मैं पहले जल्दी से हॉपर लगाता हूँ फिर आप लोगों से मिलता हूँ। ओके गाइस, तो मैंने हॉपर लगा दिए जो कि बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। आप लोग बैठ के लगाना, बैठ के लगाओगे तो इजीली हो जाएगा, अदरवाइज बहुत ज़्यादा मुश्किल पड़ेगा। अब मैं इसको ना कवर कर देता हूँ, और क्योंकि अपना काम हो गया और इसको पूरा कवर कर देते हैं। अब गाइस अब कुछ नहीं करना, अब छोटा सा स्टेप है जो अपन लोगों को करना है, और क्योंकि लावा लगानी है अपन लोगों को। और उसके बाद दो भाई एक ऐसे तो आने, मतलब अब देखो गोलम स्पॉन होना स्टार्ट हो गए। अब हमें थोड़ी थोड़ी चीज़ें करनी है, क्योंकि ये गोलम स्पॉन हो रहे हैं तो इनको मारना भी तो है, तो उसके लिए हमें लावा यूज़ करनी पड़ेगी। फिलहाल मैं सो जाता हूँ कि हो गई है रात, तो मिलते हैं आप लोगों को सुबह, लेट्स गो। ओके गाइस, तो अपना फॉर्म ऑलमोस्ट तैयार है, बस अपन लोगों को थोड़े से जगह क्लियर करनी है। मेरे को थोड़ा सा टाइम दो, मैं जगह क्लियर करके अभी मिलता हूँ आप लोगों से दो मिनट में। उसके बाद अपना फॉर्म हो जाएगा मस्त से तैयार। 2000 years later. ओके गाइस, तो अपना फॉर्म हो गया है तैयार, तो देखते हैं कोई आयरन गोलम स्पॉन होता है या नहीं। अभी मेरे सामने मरा था भाई, प्लीज कितनी देर में होगा मेरे को देखना है यार। अभी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कितने आयरन अपने हैं, आयरन इंगोट हैं फिलहाल तो भाई 16 है। अब देखते हैं कोई आयरन आता है कि नहीं। आयरन कॉलम ये अपना नहीं है, ये घूमने दो इसे, देखते हैं यहाँ पे वेट करते हैं कोई आता तो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। क्या देख रहा है वे, पंगा लेगा भाई से। और ले ले पंगे, क्या हो गया ना बेटा, आगे मजा। आगे गाइस, आगे भाई यस। तो अपना आयरन फार्म कर रहा है बिल्कुल मस्त तरीके से काम। अगर आप लोगों को बनाना है तो आप लोग भी बना सकते हो, और भाई क्या ही मस्त तरीके से काम कर रहा है। और यहाँ से जाओ मस्त मस्त पेटी के भाई आयरन लेके आओ। ये रहा गाइस, भाई सब मजा आ गया भाई, हाय हाय गाइस। तो अपना फार्म तो बहुत मस्त तरीके से काम कर रहा है भाई, मज़ा आया आ गया देख के। अभी ना मेरे को एक बोन मील का फार्म और बनाना है, तो छोटा सा जो कि मैं इसके बगल में बनाने वाला हूँ, क्योंकि क्या है भाई बोन मील की काफ़ी ज़रूरत पड़ती है, तो उसको भी मैं यहीं पे बगल में बना दूंगा। काफ़ी सिंपल फार्म है, बोन मील का फार्म भी नहीं बोलना चाहिए, बट ओ भाई मज़ा आ गया भाई। अपना इतना आयरन होगा, इतना आराम होगा, आयरन ही आयरन होगा गाइस। भाई देख रहे हो ये दूसरा स्पॉन है, अब भाई तीसरा चौथा हो गया, पता नहीं कितने आ गए। बस मेरे को अभी फूड फार्म और बनाना, फूड फार्म की जरूरत नहीं है, मैं एक शीप फार्म बनाऊंगा।
तो हाँ उससे हमें फूड मिलता रहेगा। फिलहाल मैं बनाने वाला हूँ एक बोन मील का फार्म। और सबसे पहले रुको रुको रुको, सबसे पहले जो मेरे को चीज़ करनी है वो आप लोगों को दिखा देता हूँ। भाई साहब मैं पता कितना टाइम से वेट कर रहा था उस चीज़ का, तुम लोगों को मैं दिखाता है। भाई मैं बहुत टाइम से वेट कर रहा था कि भाई कब रिकॉर्ड करूँ, कब आप लोगों को दिखाऊँ, और भाई टाइम आ गया है फाइनली। तो गाइस फाइनली टाइम आ गया है कि अपन लोग अपनी पहली डायमंड की पिकेक्स बनाते हैं, लेट्स गो। पहले तो मैं इसका डायमंड की पिकेक्स नहीं भाई, पिकेक्स चाहिए मेरे को। पिकेक्स के लिए क्या स्टिक कम है? अरे स्टिक तो यूँ बना लेते हैं भाई, स्टिक बनाने में कितना टाइम लगता है। लो भाई अब मेरे को जल्दी से डायमंड की पिकेक्स। तो भाई पिकेक्स किधर है मेरी? हा, अभी तुम लोग सोच रहे होगे डायमंड की पिकेक्स ले ली कौन सी बड़ी बात है। अरे तुम लोगों को दिखानी है भाई एक चीज़, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ भाई, थम्मा थम्मा। अरे कहाँ गई कहाँ गई? ये देखो भाई साहब, अब इसमें मैं लगाने वाला हूँ फॉर्चून 3। वही सब मजा आ गया भाई। अब इसमें मैं अनब्रेकिंग और लगा देता हूँ, मेरे पास है ना अनब्रेकिंग, अनब्रेकिंग 2 है तो अनब्रेकिंग 2 ही लगा देता हूँ। लेट्स गो भाई अभी लगा देता हूँ, अगर कोस्ट कम लेगा तो फिर मैं लगा देगा। अगर भाई लेके नहीं आया क्या मैं? एक मिनट देखते हैं भाई कितनी कॉस्ट लगेगी। अगर अनब्रेकिंग सस्ते में हो जाएगी तो मैं लगवा लूँगा भाई, 3 में हो रही है तो अनब्रेकिंग 2 भी मिल जाएगी भाई, मस्त। अब अपनी होगी पिकेक्स बहुत तगड़ी। अब पता है इससे क्या है, मैंने अपना एक दो दो लोकेशन मार्क करके रखे हैं जहाँ पर मेरे को डायमंड मिले हैं। मैंने कोऑर्डिनेट संभाल के रखे थे, उनको जाके मैं हार्वेस्ट करूँगा। पहले चलेंगे भाई माइन करेंगे उन डायमंड्स को। पहले भाई मैं बनाने वाला हूँ बोन मील वाला अपना छोटा सा फार्म। फिलहाल मैं इसको अंदर ही रख देता हूँ, अंदर क्या यहाँ रख देता हूँ, जैसे जाऊँगा इसको लेते हुए जाऊँगा। चलो पहले बोन मील वाला फार्म बना लेते हैं, लेट्स गो। ओके गाइज, तो अपना आयरन फार्म तो एकदम मस्ती से काम कर रहा है, लेकिन अपन लोगों को अब चाहिए भाई बोन मील फार्म, क्योंकि बोन मील की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत पड़ जाती है। तो बोन मील फार्म बनाता हूँ मैं, थोड़ा अंदर ही बनाने वाला हूँ। एंड बोन मील फार्म बनाना इतना मुश्किल नहीं है, मतलब फार्म क्या वो तो बहुत ही सिंपल चीज़ है। सबसे पहले हमें चाहिए हॉपर, तो हॉपर ले लेते हैं भाई, 2 हॉपर चाहिए तो हॉपर ले लेते हैं। फिर उसके बाद चाहिए हमें कंपोस्टर, तो सबसे पहले एक हॉपर रखो ऊपर, उसके नीचे रखो कंपोस्टर, एंड देन उसके नीचे हमें रखना है एक और हॉपर, और उसके बाद आएगा अपना चेस्ट। चेस्ट तो फाइनली अपना हो गया है तैयार, चलो ऊपर चलते हैं। तो गाइस फाइनली अपना हो गया फार्म तैयार। पहले ना मैं इसको तोड़ के लेके आऊँ, रुको रुको रुको, अपनी फसल तोड़ के लेके आते हैं। और उसके लिए हमें चाहिए एक हो है अपने पास, है हो है। पता है अगर फसल को अपन लोग हो से तोड़ते हैं तो अपन लोगों को ज़्यादा चीज़ें मिलती हैं, तो मैं अपनी फसल को हो से ही तोड़ने वाला हूँ। तो लेट्स गो देखते हैं कितना ज़्यादा अपन लोगों को वीट वगैरह मिलता है। लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। ओके गाइस, तो अपनी खेती हो चुकी है, अब यहाँ से निकल के आते हैं। और उसके बाद जितने भी सीड बचेंगे वो हमें यहाँ डाल देना है, जैसे मेरे पास जितने भी सीड हैं वो यहाँ डाल दो, और अपना ऑटोमेटिक बोन मील बनता जाएगा। और मेरे पास और भी सीड हैं, यहीं डाल दो। अब मैं आप लोगों को नीचे जाके दिखाता हूँ, एंड भाई धीरे धीरे बनना है, अभी टाइम लगेगा। हाँ देखो हो गया स्टार्ट, भाई यहीं रख देता हूँ मैं भाई, एक तो बना। हाँ धीरे धीरे हो रहा है बट बन रहा है गाइस, बन रहा है। ओके गाइस, तो अपने दोनों फार्म हो गए तैयार, आप लोगों को दिखाता हूँ। सबसे पहले ये है अपना बोन मील का फार्म, जिधर मैंने लेडर लगा दी है, मस्त से आओ बोन मील लो और यहाँ से निकलो। और भाई मैंने पता है इसका ट्रैप डोर मैंने अलग लगाया है, मैंने ब्रूस का लगाया है। और उसके बाद है भाई अपना फूड फार्म, जो कि मस्त से काम करता है। देखो इसमें भी काफ़ी फूड है, मैं आप लोगों को दिखाऊं, देखो 64, 25 और 55 लेदर है, 25 नहीं 20 है, तो भाई काफ़ी मस्त है ये वाला भी फार्म। और अपना तीसरा और सबसे कमाल फार्म आता है, जो कि है आयरन फार्म। भाई अभी मेरे को सिर्फ 10 मिनट ही हुए होंगे, क्योंकि मैं थोड़ा बोन मील वाला फार्म बना रहा था और थोड़ी सी मैंने लेडर वगैरह बनाई है, और भाई 2 स्टैक से ज़्यादा आयरन जमा हो गया है। भाई ये वाला फार्म इतना ईजी, इतना सिंपल और इतना ही कमाल है, आप लोग भी ये वाला फार्म ज़रूर बनाना। तो गाइस आज के एपिसोड में बस इतना ही, आई होप आप लोगों को ये वाला एपिसोड अच्छा लगा। और आप लोग कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या करें। मेरे पास 2 प्लान है, एक तो मैं अपना घर बनाऊंगा जो कि बहुत कमाल होने वाला है, यहाँ पे आप लोग दूसरा एडवेंचर पे जा सकते हैं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताना कि क्या करें। तो गाइस आप लोग जरूर कमेंट करना, अगर ये एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक करना। बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। भाई सच्ची बता रहा हूँ, ऐसा बना के ना मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ भाई, सच्ची बता रहा हूँ, मतलब एकदम कमाल चीज बनी है ये, बब्बाल चीज बनी है ये।